जिला मुख्यालय बांटी नदी के पास एक गोदाम में फैक्ट्री चौकीदार युवक की बेरहमी से हत्या मामले में दो दिन विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस और परिजनों के बीच लंबी वार्ता चली। पुलिस के साथ सफल वार्ता होने के बाद मृतक के परिजनों को उक्त गोदाम मालिक द्वारा 2.5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा करने और पुलिस द्वारा 24 घंटे के भीतर हथियारों की गिरफ्तारी करने का आश्वासन मिलने के बाद परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस द्वारा परिजनों की उपस्थिति में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया गया। गौरतलब है कि पाली जिला मुख्यालय बांडी नदी के पास एक गोदाम में डेंडा गांव के निवासी एक युवक की अज्ञात हथियारों ने धारदार हथियारों के साथ निर्मम हत्या कर दी थी। तो वहीं पुलिस उक्त हत्याकांड मामले में हथियारों की तलाश में जुटी है। दो दिन विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन के साथ सफल वार्ता होने के बाद परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम करवा कर शव को उठाया। ये हमारे दो दिन पहले रणाराम की एक हत्या कर दी थी हथियारों ने, तो पुलिस प्रशासन ने पूरा आश्वासन दिया डिप्टी साहब ने कि कल शाम 5 बजे तक हथियारों को गिरफ्तार कर देंगे। पहले हमारी ये मांग थी, ये आश्वासन पूरा मिल गया। दूसरी ये मांग थी कि जो फैक्ट्री मालिक है उनके से थोड़ा मुआवजा दिया जाए, तो उसने दोनों बच्चों, ये रणाराम के दो पुत्र हैं, दोनों बच्चों के नाम से 1-1 लाख रुपये की एफ डी करवाई है और 50,000 रुपये का रोकड़ रुपये 2.5 लाख रुपये के मुआवजा दिया और भी आर्थिक सहायता देने का कहा गया। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट।